राजस्थान में वसुंधरा राजे को खुद की भूमिका से जुड़े सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। पीएम मोदी सभा से संकेत जरूर मिल चुका है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम फेस नहीं बनने वाली, लेकिन पार्टी वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी जरूर देगी, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि वह राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, राजस्थान में रहकर ही जनता की सेवा करने वाली हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को वसुंधरा राजे की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। राजस्थान के चुनाव में कर्नाटक वाला खेल भी शायद हो सकता है। राजस्थान में बीजेपी ने काफी मशक्कत के बाद से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया गया, बड़े स्तर पर टिकट काट दिए गए हैं। टिकट के दावेदार नाराज नेताओं ने दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी के हर सीट पर बागी मैदान में खड़े हो गए हैं। पार्टी को नुकसान हो सकता है, वसुंधरा राजे चुप है। सियासी जानकार वसुंधरा राजे की चुप्पी टूटने का इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी को जोर का झटका दे सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे की भूमिका तय करने में बीजेपी ने देरी कर दी। चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हर सीट पर वसुंधरा राजे समर्थकों ने टाल ठोक रखी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के बिना सत्ता में वापसी बीजेपी के लिए शायद संभव नहीं है। वसुंधरा राजे वो नेता हैं जो कि अशोक गहलोत को सीधी सीधी टक्कर दे सकती हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे चुप रहकर पार्टी आलाकमान को संदेश देना चाहती हैं। राजस्थान में बीजेपी की नंबर एक नेता वसुंधरा राजे ही हैं। वसुंधरा राजे के कद में कोई कमी नहीं आई है। वसुंधरा राजे के कद के सामने बीजेपी के नेता टिक ही नहीं पाएंगे। इसके बावजूद पार्टी ने उनकी अनदेखी की है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को दूसरी लिस्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि दूसरे लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं का टिकट जरूर होने वाला है। चर्चा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मंत्री यूनुस खान को टिकट नहीं मिलेगा। दोनों ही नेता हाल ही में वसुंधरा राजे से उनके आवास पर भी मिलने गए थे। टिकट नहीं मिलने की स्थिति में माना जा रहा है कि अशोक परनामी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि यूनुस खान के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बीजेपी वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है, जिसका वसुंधरा राजे काफी बड़ा चेहरा है राजस्थान में, और बीजेपी जो है वो वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है, ऐसे में वसुंधरा राजे ने भी चुप्पी साध रखी है। अब सबको इंतजार है तो वसुंधरा राजे की चुप्पी तोड़ने का। क्या आखिर वसुंधरा राजे कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगी? हालांकि वसुंधरा राजे ने ये साफ कर दिया है कि वो राजस्थान में रहकर ही राजस्थानवासियों की सेवा करेंगी, वो कहीं और नहीं जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से दरकिनार किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को अब समर्थ नहीं समझती कि वो वसुंधरा राजे बीजेपी को जीत हासिल करवा पाए? क्या बीजेपी को उसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और ये भी काफी दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे आखिर अपनी चुप्पी तोड़ती है तो कब तोड़ती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।